सोमवार की रात रेवाड़ी में एक मजदूर की चाकू मारकर हत्या करने और दो मजदूरों को घायल करने के मामले में पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों से हत्या में प्रयोग हुए दो चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े पवन, मोहित प्रवेश और अमन ये वही बदमाश हैं जिन्होंने कल रेवाड़ी के ठठेरा चौक पर मजदूरों पर हमला किया था, जिनमें एक की मौत हो गई थी और दो घायल हो गए थे। ये चार लड़के थे जिसमें कल परसों 25 तारीख की गुजरी रात्रि के समय दो लड़के पवन और अमन, जो यहीं शहर रेवाड़ी के मेहरवाड़ा मोहल्ले के रहने वाले हैं, ये एक मोटरसाइकिल पर गए और ठठेरा चौक के पास लेंटर डालने वाले मजदूरों ने अपना ट्रैक्टर मशीन लगाए हुए थे। ये लोग वहाँ से निकलना चाहते थे, उन्होंने रास्ता बंद था, इन्होंने कहा यहाँ से इसको हटा लीजिए। इस बात पर इनकी खास सुनी होगी, इसी बात को मन में रख के ये दोनों वापस गए और इन्होंने अपने दो मोहित सन ऑफ ब्रजभूषण पंजाबी मोहल्ला आदर्श नगर व परवेशपुर बाबू मोहल्ला आदर्श नगर, इन दोनों को साथ लेकर आए और चार एक मोटरसाइकिल में बैठ गए। रेवाड़ी से अजार टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।